रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। सासाराम में शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच पथराव हुआ, कुछ घरों में आग लगाने की घटनाएं हुई। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही हालात को काबू में कर लिया। हिंसा के दौरान यहां पर एक पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल भी हुए। यहाँ 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यहाँ हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सासाराम में तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि अमित शाह बिहार के नवादा के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई और इस दौरान 8 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 लोगों को गोली लगी है। उपद्रवियों ने यहां कई दुकानों में आग लगा दी और कुछ दुकानों में लूटपाट भी हुई। लूटपाट के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक दुकान से लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक इन लोगों की पहचान साफ नहीं हो पाई है। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। 27 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कोई नेचुरल चीज नहीं, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जान। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, अमित शाह ने सासाराम को कैंसिल कर दिया अपना है? अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया अपना, इसके बारे में हमको और ये घटना घटी है। ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए। इसके बारे में पता चला सर, तो तत्काल एक एक तरफ से तौर पर तुरंत, लेकिन कल देर शाम 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने सवाल किया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही रहे, वर्षों से सब था, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था, हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखा और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल लेना ट्रैकेट बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा था। तो वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। नवादा में जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन 144 लगाकर नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम दूसरे को यहां कार्यक्रम नहीं करने देंगे और इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। जिन्होंने कल जो है वो कानून को हाथ में लिया है, उनको गिरफ्तार करने के लिए अभियान चल रहा है। 20 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और हम लोग ये अभियान लगातार जारी रखेंगे। जो असामाजिक तत्व थे, जिन्हें चिन्हित किया गया है सीसीटीवी के माध्यम से और गवाहों के माध्यम से, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के हिसाब से 8 लोगों को बताया गया था घायल हैं, उसमें 3 लोगों को बुलेट इंजरी की बात कही गई थी, लेकिन वो अभी लाजरत हैं, अभी तक वो सेफ हैं, किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं है, सभी लोग अभी तक सेफ हैं।